अलग अंदाज में बनी फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का का स्पेशल स्क्रीनिंग मुंबई में हो रहे जियो मामी फेस्टिवल में रखा गया था, जहां पर बॉलीवुड का मानो जमावड़ा सा लग गया था। मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा और जिस तरह से लिखा गया, बहुत हल्के फुल्के अंदाज में बहुत गहरी बात, और हालांकि फिल्म तो नायिका प्रधान है, पुरुषों के रोल इतने बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, पर फिल्म से जुड़ना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये मैसेज, ये संदेश कि हमारे यहाँ महिलाओं की स्थिति क्या है, ये बाहर आना ज़रूरी है। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, कहानी है जिसमें कि चार औरतें अपनी ज़िंदगी जी रही हैं और किस हालात में जी रही हैं और क्या एंग्स्ट हैं उनके, क्या उनके आज़ादी के सपने हैं, वो कैसे जीती हैं। मुझे ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी थी, स्क्रिप्ट और उसको ग्रीन सिग्नल दिया था। वेल, दिस इज हाई टाइम टू सच फिल्म्स वर नीडेड टू रिलीज। ये फिल्म का एक बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन हुआ है कि जापान में टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में भी हाल ही में अभी दिखाई गई, मतलब अभी एक दो घंटे पहले वहाँ दिखाई गई है, एंड वहाँ बहुत अच्छे रिएक्शन मिले। अलंकृता श्रीवास्तव जो हमारी डायरेक्टर हैं और आहना कुंद्रा जो भी एक्ट कर रही हैं इस फिल्म में, वो दोनों गए हुए हैं जापान, और कुंकुना और मैं यहाँ हूँ, एंड इस तरह का डबल प्रीमियर दो फिल्म फेस्टिवल्स में एक ही दिन पे, ये तो पहले मैंने कभी नहीं सुना। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई हैव नॉट येट सीन लिपस्टिक अंडर माई बुर्का माई सेल्फ। Of course, I've read the script and I'm really excited to see how the whole thing has turned out, how the whole thing has shaped up. Really waiting because I know that they've, you know, Alankita's really, she's spoken to me about it, she's been really excited about the process, and then it started going to film festivals. We just had our premiere in Tokyo Film Festival as well. So I'm really excited to watch it.